नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को आज 10 महीने पूरे हो गए हैं, लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद की कॉल की गई थी। किसानों के भारत बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिला है। ज्यादातर शहर में हाईवे और रेलवे ट्रैक बाधित रहे हैं, जनता जाम में परेशान भी नजर आई है। जाम ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार को भी आज थाम दिया। बड़ी बहस में सबसे पहले आपको अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, और ये 15 शहरों की तस्वीरें हैं जिसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये जो जाम भारत बंद का जो रहा, भारत बंद की जो कॉल रही वो कैसी रही। रोहतक, करनाल, सिरसा, सोनीपत, भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, यमुनानगर, कैथल, जाखल, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार और झज्जर, ये 15 जिलों के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जिनको आप देख करके अंदाजा लगाएं कि आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसका असर कैसा रहा। मिला जुला असर हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुले हुए दिखे हैं, बाजार भी खुले रहे, और ज़्यादातर जगहों पर आपने ये भी देखा है कि खासतौर से हाईवे का अगर आप जिक्र करें या फिर आप रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो वहाँ पर आज बाधित होते हुए रेलवे ट्रैक या फिर हाईवे आज ज़रूर दिखे हैं। कई जगहों पर आज सड़कों के ऊपर भी जाम लगाया गया है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी आज ट्रैफिक बेहद स्लो रहा। वहाँ पर भी जो लंबी लाइन है वाहनों की आज देखने को मिली, और इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जाम का जो असर है वो मिला जुला रहा, क्योंकि पूर्णतया बंद तो नहीं लेकिन हाँ मिला जुला असर इसका देखने को जरूर मिला। तो भारत बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी, हजारों कार सड़कों पर रेंगती नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नोएडा के डीएनडी से भी सामने आई जहां पर भीषण जाम से लोगों को आज जूझना पड़ा है। तो किसानों का जो आज भारत बंद था उसकी दो तस्वीरें आप देखें, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दोनों पर कमोबेश आपको आपकी नज़र जहां तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आएंगी। और ये इसलिए क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान था, और इस वजह से भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है आप किस तरीके से देखें प्रभावित हुआ है, स्लो रहा है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं, ऑफिस का भी समय था, इस वजह से भी जो लोग हैं भारी संख्या में सड़कों पर थे। और किसानों ने चूंकि पहले से ही इसकी कॉल दे रखी थी, और आज जब भारत बंद का आह्वान हुआ तो उसके बाद तस्वीरें आज कुछ इस प्रकार की देखने को मिली, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो भारत बंद का असर है वो किस प्रकार का आज पूरे देश में रहा है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर आपने देखा कि हाईवेज के ऊपर या फिर टोल नाके के ऊपर ये जो विरोध है उसको जताया गया है। शहरों के अंदर भी जहाँ पर आपसी रजामंदी बनी या सहमति बनी, यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भी समर्थन दिया, वहाँ पर दुकानें और बाजार भी आपको बंद दिखे, लेकिन कहीं कहीं पर ये बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए भी नजर आए। तो मिला जुला असर आप ये कह सकते हैं कि आज जिस भारत बंद का रहा है, हालांकि किसान नेताओं की तरफ से जरूर यह कहा गया है कि आज का भारत बंद पूर्णतया सफल रहा है। सबसे ज्यादा असर है जी उसका, असर अभी भी और असर पड़ रहा है इसकी वजह से भी। पहले कोरोना से दुकानदार भाई हम उठ नहीं पाए हैं, अभी उससे भी ये असर है कि हर दो महीने बाद चार महीने बीतते हैं, कभी हड़ताल कर देते हैं जी, कभी यहाँ पे धरना दे देते हैं, काम पे सारा असर पड़ रहा है। परेशानी बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल जाना दिल्ली RR के अंदर, लेकिन यहाँ से 6 बजे यहाँ से बैठे हैं। रामनाथ कलकत्ता जाना था जी, ट्रेन का नाम पूर्वा था और सीटर एक्सपायर हो गया था, उसमें जा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो वहीं भारत बंद को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बयान दिया, और उन्होंने कहा कि भारत बंद सफल है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद कुल मिलाकर के ठीक रहा, किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए अभी भी तैयार है। ठीक रहा, जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा। खाने की प्लानिंग है, सब लोग समर्थित हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं वे गाड़ी लेकर गए, हम जाम में फंसे रहे, जो लोग थे सबको पता था वे लोग नहीं आए। भाई क्या रणनीति रहेगी आगे चल के, क्या आगे की होगा, क्या पता क्या होगा भाई, आगे का क्या पता क्या होगा। ऐसी कोई खबर है कि सिंधु बॉर्डर में किसी किसान की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है? अभी नहीं पता, अभी भी कहते रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे, हम भी बात करने को तैयार है, वे भी बात करने को तैयार है, लेकिन बात हो नहीं रही। तो वही योगेंद्र यादव ने भी भारत बंद को पूरी तरह से सफल बताया, क्या कुछ कहा सुनिए। तो है और बहुत गहरा सरकार अंदर से हिली हुई है, ऊपर से ऐसा नाटक करती है कि उसे पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर सरकार के मन में कोई गलत फहमी होगी कि चलिए कोई थोड़ा सा सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों का मामला है बाकी का नहीं है,
तो मैं समझता हूँ आज सरकार ने केरला की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, बंगाल की, झारखंड, बिहार सबकी छवियां देख ली होगी और समझ आ गया होगा कि ये मामला एक राज्य का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, कुछ खास किसानों का नहीं है, पूरे देश के किसानों ने और पूरे भारतवासियों ने मिलकर एक स्वर में आज इसका जवाब दे दिया है। किसान ने कर ली मुट्ठी बंद, हम करेंगे भारत बंद। सर, व्यापारी वर्ग का कहना है कि हम इस आंदोलन में साफ है नहीं, और जो बोला जा रहा है कि आज भारत बंद सफल हुआ है वो बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। आप ऐसा कीजिए, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप दिखा दीजिए कहाँ कहाँ अगर कोई किसानों ने जबरदस्ती की हो तो, और बाजार की क्या स्थिति है, दुकानों की क्या स्थिति है, आप दिखा दीजिए। तो किसानों के भारत बंद पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, बातचीत करके सरकार को ये मसला जल्द से जल्द हल करना चाहिए। उसका समर्थन सारी मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टियां कर रही हैं, उनकी मांग जो है उसका समर्थन करी पार्टी, नेतृत्व नहीं कर रही राजनीतिक पार्टियाँ, लेकिन उनकी मांग का समर्थन कर रही हैं। बातचीत से हल निकल सकता है, और जो बातचीत शुरुआत करते हैं तो कोई कंडीशनल नहीं होती हैं, किसी की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए, तो खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान जो है सम्मानपूर्वक किसानों के उसमें समस्या का समाधान करना चाहिए। ये जब सरकार हमारी बात ना सुने, जायज़ मांग को नज़रअंदाज करे और अपनी जिद में, अपने घमंड में बातचीत भी खुले मन से करना किसानों के साथ स्वीकार ना करे तो और क्या चारा है हमारे पास। हम लोकतंत्र के अंदर संविधानिक यही रास्ता बचता है। आज संयम और शांति भरा शांतिपूर्ण भारत बंद का जो ऐलान किया है वो एक लास्ट रिजॉर्ट हमारे सामने बचता है। हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, और उसके बाद यदि सरकार कोई कृषि प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है तो नया मसौदा बिल का तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने लाए, स्थायी समिति, और उसमें किसान संगठनों को निमंत्रण दिया जाए जो अपनी बात रखें, उनके सुझावों को मानते हुए सर्वसम्मति से ही कोई कृषि प्रणाली में बदलाव की तरफ बढ़ा जाए। तोमर जी की बात में, हमारे मित्र हैं संसद में, मगर उनकी बात में बड़ा भारी विरोधाभास है। कहते हैं हम बात करने को लिए तैयार हैं लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो कैसी बातचीत, तो यानी कि चाय पे बुला रहे हो आप, सूखी चाय पीने तो कोई किसान संगठन जाएगा नहीं। ये जब सरकार तो भारत बंद समेत तमाम प्रतिक्रियाओं को आपने सुन लिया है, और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि बंद से जो रफ्तार थमी है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले यही दिखाई कि बंद से आज परेशानी भी लोगों को हुई है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर भारत जो बंद किया गया है क्या इससे जो बातचीत है वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि सवाल यही है कि बातचीत आखिर रुकी क्यों है। अब कानूनों पर जो घमासान बचा हुआ है, सशर्त इसका समाधान कैसे निकलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। सरकार कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन किसान कह रहा है कि वो बातचीत के रास्ते कहाँ से जा रहे हैं, इसका रास्ता भी हमें दिखाएं, क्योंकि राकेश टिकैत तो खुद इस बात को कहते हुए नजर आए कि सरकार वार्ता नहीं करना चाहती है, इसका समाधान नहीं चाहती है। तो आरोप प्रत्यारोप कुल मिलाकर के दोनों तरफ से हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज जो भारत बंद हुआ है क्या उसका कुछ असर होगा, और क्या इससे बातचीत के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए आगे आपको भविष्य में दिखेंगे, ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 महीने इस किसान आंदोलन को आज पूरे हो गए हैं, और उसी उपलक्ष्य में आपने देखा कि भारत बंद की जो कॉल आज की गई उसकी तस्वीरों के साथ हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की भी शुरुआत करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी स्वागत है। राजेश जी, हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, आज के भारत बंद को आप कैसे देखते हैं, आपका रिएक्शन इसके ऊपर भी चाहूंगा। और कृषि मंत्री ने भी जो स्टेटमेंट दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते हमारे लिए अभी भी खुले हैं, आप बातचीत के लिए आए, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, दोनों ही बातों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। राजेश दहिया जी। आयुष जी, हमारा जो भारत बंद है 27 तारीख पूर्ण रूप से सफल रहा है। इसमें मैंने कुछ प्रतिक्रिया सुनी कि कहीं रहा कहीं नहीं रहा, वो इनको गलतफहमी है। हमने पहले दिन से कॉल दी थी 27 तारीख को जो बंद करेंगे उसमें आम जनता को परेशानी नहीं करने देंगे। आज हमारी सिर्फ एम्बुलेंस गाड़ियां, अग्नि गाड़ियां,
वो जो जो परेशानियां जिनको होती थी उनको हमने जाने दिया है। आपने अपने चैनल से देखा होगा कि संपूर्ण जो है यातायात बंद था, सारी ट्रेनें बंद थी, सारे हाईवे बंद थे, सारे अंदर के मार्ग भी बंद थे, मंडियां बंद थी, सब्जी मंडी हमारे सोनीपत की कल खुली थी आज बंद की थी, पूरा व्यापार मंडल, पूरा जो वकील भाई थे सारे हमारे साथ थे, टेम्पो यूनियन, ट्रक यूनियन सभी ने संपूर्ण बंद किया है। और इससे हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ये सिर्फ भारत बंद था, भारत जाम नहीं था। ये जो सरकार कहते हैं ना ये बंद संपूर्ण नहीं था, तो ये हमने सिर्फ भारत बंद किया था, भारत जाम नहीं किया था। अगर भारत जाम होता तो पहले जो स्थिति हुई थी उसमें सरकार को पसीना आ जाता और दिल्ली में पानी तक नहीं पहुंचता। तो आयुष जी पहला आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं दे रहा हूँ कि हमारा जो बंद था वो पूर्ण तरह से सफल रहा, और ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अब भी सुधर जाए वरना सरकार की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। रही बात यह कि 10 महीने हमारे को बैठे हो चुके हैं, 1 साल कानून को उम्र चुका है, लेकिन जो हमारे जो राजनेता हैं, प्रधानमंत्री लगाओ, मुख्यमंत्री लगाओ, कृषि मंत्री लगाओ, वो एक तरह से ढीठ आदमी तरह काम कर रहे हैं, उनको जनता की परेशानी से कोई फायदा नहीं है। हमारे जो 600 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं, आज भी हमारे कुंडली बॉर्डर पे एक किसान जो शहीद हुआ अटैक से, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, सिर्फ खाली बोलने से बात नहीं पड़ती है। कृषि मंत्री का हम वार्ता ले तैयार हैं, अरे अपने प्रधानमंत्री से पहले पूछ तो ले कि वार्ता करें या नहीं करें, ऐसे बोलने से आयुषी काम नहीं चलता। ये जो मंत्रियां हैं ये ही जो हमारे जो जो हमारे बीच में संवाद है उसमें खराब कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब ने ये कहा है कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जो बंद किया उससे जनता को परेशानी हुई। अरे शर्म तो बीजेपी के मंत्रियों को आनी चाहिए जिनके कारण बंद हुआ, बंद कराया बीजेपी ने, बंद किया किसानों ने, तो विपक्ष का रोल कहां से आ गया इसको? मेरे को यह लगता है कि बीजेपी को एक हवा बन चुका है कि जो विपक्ष है ये आगे सत्ता में आने वाला है, इसलिए उसको परेशानी ये हो रही है कि क्योंकि पहले भी जो कांग्रेस सत्ता में थी तो हम जो थे जब करते थे तो बीजेपी वाले जो थे वो हमारे कंधे पे बंदूक रख के आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उनको ये परेशानी हो रही है कि अब ये अगर किसान आंदोलन चलता रहा तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जो विपक्ष होगा वो सत्ता में आ जाएगा। तो आयुष जी आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि वो इस धोखे में ना रहें, और जो यहाँ बैठ के प्रवक्ता बात करते हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वो आराम से बात करें और अपनी बारी आए तब बोलें, बीच में उंगली ना दिखाएं, क्योंकि बीच में उंगली दिखाने से परेशानी होती है, हमें भी उंगली आती है, हम दो उंगली दिखाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी, क्योंकि अभी हम लोग योगेंद्र यादव जी को भी सुन रहे थे। योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि अगर अभी तक कोई भी दिमाग के अंदर इस तरह की शको शुबा आपको रही हो कि ये एक क्षेत्र तक सिमटा हुआ आंदोलन है या कुछ प्रदेश के लोग हैं या कुछ मुट्ठी भर किसान है, जैसा कि आप कहते हैं चर्चा के अंदर, आज उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो देश के कोने कोने से हैं, अब भी सरकार को समझना चाहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी, देखिए एक तो मेरा आप जो है यादवांतरण ना करें, यादवीकरण ना करें, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है और मैं हेलो, क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? मुझे सिर्फ ये कहना है योगेंद्र यादव से और राजेश जी से, जब ये कहते हैं कि ये इस बंद का लोगों को परेशानी करने की इनकी कवायद का विपक्ष से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनसे सिर्फ यही कहूंगा कि हरियाणा में आज बाजारों में बाजार बंद कराने के लिए रेवाड़ी से लेकर के पंचकुला तक जो चेहरे, जो राजनीतिक कार्यकर्ता घूम रहे थे, उनके वीडियो मंगवा लीजिए। आप अगर कहीं और रहकर आंदोलन चला रहे हैं विदेश में, आप तक वो वीडियो नहीं पहुंचे तो मैं भिजवा दूंगा। कांग्रेस के, लोकदल के और लाल झंडे वाले, हसिया हथौड़े वाले राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता आज के बंद की अगुवाई कर रहे थे, वही लोगों को, व्यापारियों को बाजार में दुकानें बंद करने के लिए विवश कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे। विपक्ष से इस बंद का संबंध ये है, विपक्ष से इस आंदोलन का, आज के बंद का संबंध क्या है, वो आपने अभी कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट के रूप में सुनवा दिया। उन्होंने आधा अधूरा सच स्वीकार किया आपके चैनल के सामने कि हम आंदोलन कर नहीं रहे, हम समर्थन कर रहे हैं। वो आधे में रुक गए, पूरा सच स्वीकार करते तो बिल्कुल बेनकाब हो जाते। हमारा ये कहना है और ये सत्य है, ये तथ्य पर आधारित है कि किसानों के नाम पर प्रदेश में और देश के कुछ हिस्सों में
जो आंदोलन चल रहा है वो इस देश के मोदी विरोधी भाजपा विरोधी प्रतिपक्षी दलों का राजनीतिक आंदोलन है, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं का पतीला है जो उन्होंने किसान के चूल्हे पर चढ़ा रखा है। ये वो बंदूक है जो हमारे विरोधी किसान के कंधे पर रखकर चला रहे हैं। इस झूठ को इसको अगर आप झुठलाना चाहते हैं राजेश जी तो आप झुठला नहीं पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स बोलते हैं, वीडियोस बोलते हैं, नेताओं के कार्यकर्ताओं के बयान बोलते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जिसको आप झुठला नहीं सकते। रही बात बंद के सफल होने की असफल होने की, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कुछ लोगों ने, आंदोलनकारियों ने, आंदोलनजीवियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रमुख मार्ग प्रदेश में थोड़ी थोड़ी संख्या में अनेक स्थानों पर इकट्ठे होकर बंद किए, यह सत्य है। अगर लोगों को यूं असुविधा में डालना इनकी सफलता का पैमाना है और इनकी चेहरे की मुस्कान का कारण बनता है, ये हरियाणा के लोगों ने दुखी करके न्यू राजी हुए झुककर राजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, तो भाई हो सकता है तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन जब इस आंदोलन के नेता, इस आंदोलन के कार्यकर्ता बाजारों में दुकानें बंद करवाने निकले, इन्होंने लोगों से कहा कि बंद करिए, तो डर के मारे, भय के मारे, कहीं थोड़ी तुम्हारा है, लेकिन जहां जहां से ये निकल गए वहां वहां दुकानें फिर खुल गई। मैंने अभी एक चैनल पर जींद जिले का, जो कि हरियाणा का बिल्कुल गढ़ है, वहां के एक दुकानदार की मैं बाइट सुन रहा था, उसने कहा कि जो लोग, जो ये विपक्षी, चाहे हुड्डा साहब के लोग हो, चाहे शैलजा जी के लोग हो, चाहे राजेश जी के लोग हो, चाहे कामरेड हो, जो सत्ता में आने से पहले धक्काशाही कर रहे हैं बाजारों में घुस करके, जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं, खुदा ना खास्ता इनका कदी राज आ गया तो ये के लोगों ने जीण देवे। मसा मसा ऐसे गुंडागर्दी करने वाले राजनीतिक तत्वों से हरियाणा ने निजात पाई है, लोग इनको स्वीकार करने, चलिए कुल मिलाकर के आप उसको सफल नहीं मान रहे, ठीक है, चलिए गर्ग साहब, काहे की सफलता था? ठीक है, बजरंग दास गर्ग, लोगों को परेशान करना सफलता है तो शायद ये सफल हो गए हों, ठीक है, लेकिन लोगों को परेशान करना प्रजातंत्र में सफलता नहीं, असफलता का प्रतीक है, प्रमाण है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, जब देश का किसान और आड़ती और साथ में मजदूर तीनों वर्ग नहीं चाहता देश में कृषि कानून लागू हो, प्रदेश में कृषि कानून लागू हो, क्यों सरकार जबरन बार बार इस बात को नहीं मान ली, जबरदन ये तीन कृषि कानून थोपड़ा जाती है। कृषि मंत्री कहते हैं बात के लिए तो तैयार है, पर किसानों की बातें नहीं मानेंगे, ये बात किसकी मानोगे आप? बगैर पूछे तीन कृषि कानून देश के अंदर ला रहे हो, किसानों पर, आड़ती पर, मजदूरों पर थोप रहे हो। और दूसरी बात, मेरे साथी वीरेंद्र जी ने कहा भाई गुंडागर्दी, भाई कहीं तो बता दे कहीं गुंडागर्दी हुई हो, कोई तोड़ फोड़ हो, आगे तलवारें उठा के भागे, गाड़ियां तोड़ी, गुंडे कौन होते हैं बजरंग जी? गुंडे कौन होते हैं जो तलवारें उठाकर भागते हैं, कसी उठाकर भागते हैं पुलिस की तरफ? जो भाजपा के नेताओं की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं उनको क्या कहोगे बजरंग जी? कितने प्रमाण चाहिए आपको? लाठी चार्ज करते हैं शांति से, कौन पूरे देश के अंदर हुआ, हरियाणा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हुआ, लिंक रोड के ऊपर हुआ। एक बात और कहना चाहता हूँ आई जी, हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां आंदोलन ना हुआ। हिसार जिले के अंदर 3000 जगह चक्के जाम थे हिसार जिले के अंदर, कोई छोटी बात थोड़ी है। ये कहते हैं दुखी तुम कर रहे हो, 3000 का आंकड़ा कहां पकाया, कौन सी अंगूठी में मंडी का आड़ती को उजाड़ना चाहते हो, मजदूरों का पेट पे लात आप मार रहे हो। मैं बताया जाता हूँ तीन कृषि कानून आप जबरन थोपना चाहते हो, और जब सरकार आपकी है आपकी जुवारी नहीं बनती। नहीं, वीरेंद्र चौहान जी यही तो कह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग उनको बैकअप करते हैं और आप लोग की जो मंशा राजनीतिक सद नहीं पाई है, इसलिए जाकर के अब बंद में भी आप लोग समर्थन करते हैं, लोगों की जबरन दुकानें बंद करवाते हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोग हैं और आप भी हैं, इंडियन नेशनल लोक दल भी हैं। खुला समर्थन है, सहयोग है, इनमें कोई दो राय नहीं, हम किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, आम जनता के हित के साथ है, उनके हित की लड़ाई में साथ खड़े हैं। जो विपक्षी मुखी जुमारी बनती है, कोई आज जनता तकलीफ में है
क्यों बताओ? कांग्रेस के आदमी वो किसान नहीं है, हमारी पार्टी में किसान नहीं है, हम जो लोग खेती करते हैं हमारी पार्टी में आड़ती नहीं है। जब मंडियां उजड़ जाएगी, आप ये नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि भाई किसी कानून लागू होंगे तो प्राइवेट मंडियां बनेगी, जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो सरकारी मंडियां सरकार ने क्यों बनाई है? जब प्राइवेट मंडियां बनेगी सरकारी मंडियां देश के अंदर हो रही उसको रोक करते, और दूसरी तरफ खुद कर लेते हैं। आयुष भाई दो मिनट दे दीजिए कृपा कर, नहीं ठीक है, पहले पहले पंजेटा जी का, पंजेटा जी का ठीक है, पंजेटा पंजेटा जी पंजेटा जी मुझे ये बताइए कि आप लोग भी बंद का समर्थन इसी तरह से कर रहे थे जैसा वीरेंद्र जी ने बताया यहाँ पर, वो खुद जाके कह रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो कह रहे थे, और अगर आप चाहेंगे तो वो आप तक भेज भी देंगे कि आप लोग क्योंकि इसकी अगुवाई कर रहे हैं, आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, जा रहे हैं जबरन दुकानें बंद करवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं भारत बंद हो गया, सफल हो गया। पंजेटा जी नहीं आयुष जी, इस बात से पहली बात तो हम जो इसका भारत बंद का समर्थन की बात है, हमने डिनाय कब किया है? आप दुकानें जबरन नहीं बंद करा रहे थे, लेकिन हमारा तो इसलिए दायित्व भी बनता है कि अगर पूरे देश में इन काले कानूनों के बारे में बताने का किसी ने काम किया था, शुरू से कोई विरोध कर रहा था, 5 जून को ये आए थे अध्यादेश के रूप में पिछले साल, और हमने तो अगले महीने ही अपनी जैसी हमने ये पढ़ के सारा पढ़ा, हम चाहते थे सारा का सारा जो किसान समाज है वो इससे जागरूक हो, हरियाणा का ही नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का जागरूक हो, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो गर्व वाली बात है। ये तो अभय सिंह चौटाला जी ने 25 सितंबर को जो सम्मान दिवस सरगे चौधरी देवीलाल जी के श्रद्धांजलि देने के लिए हमने जींद में रखा था, वो बड़े स्टेज पे ये बात कही थी कि आपने किसानी झंडा लगा के जो है ये भारत बंद का एक एक वर्कर का ये दायित्व बनता है, और किसान का खास रूप में, क्योंकि हमारे तो वर्कर ही सारे किसान हैं, तो ये वर्कर के रूप में पार्टी के रूप में पार्टी से ऊपर बढ़कर, बल्कि अगर हमारा प्रोग्राम था 25 सितंबर का जो ताऊ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो प्रोग्राम था, हमने तो रैली में आने के लिए भी किसानों को कहा था, अगर आप एक तरफ पार्टी का झंडा लगा रहे हो तो दूसरी तरफ आप किसान जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा उसका झंडा लगा के आओ। ये तो आप इस बात से हम डिनाय नहीं कर रहे हैं, ये तो लेकिन इस बात से तो फिर इस बात को भी बल मिल जाता ना पंजेटा जी, ये कैसे अलग करेंगे आप? क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ये वही सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं जो कि किसान के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही हैं, और उसमें आपके किसान कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका विरोध मोदी से और बीजेपी से। आयुष जी, इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए, ये तो सबको इस बात का जो है तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल ये ऐसी पार्टी है, एक मिसाल जैसी पार्टी है, जिसका लोग, हम ये नहीं कहते कि हम तो शुरुआत से ही, चाहे पिपली वाला कांड भी हुआ था वहां पे भी ढेरों इनेलो के वर्कर थे, वो कोई झंडा लगा के नहीं गए थे, हमने तो साफ मना किया हुआ है, पार्टी का झंडा बाद में, पार्टी बाद में, राजनीति बाद में। अब ये सारे लोग हैं पूरे देश में, कोई आया बार बार किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो बोलता रहा आप इस्तीफा दो सरकार पे दबाव बनेगा, इस्तीफा दो सरकार पे दबाव बनेगा, राजनीति ही करनी होती और दलों की तरह बयानबाजी भी करते रहते, अखबारों में अच्छे भी बनते रहते। अभी दीपेंद्र हुड्डा की आप बाइट सुना रहे थे, बार बार हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही, अरे 40 लोग हैं उनमें से आप एक भी हो, हमारी मांगे नहीं सुनी, ये होती है राजनीति, इसे कहते हैं राजनीति करना, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही, हम ये कह रहे हैं हमारे ये काले कानून वापस करो। अरे जब तक पीपली वाला कांड नहीं हुआ था 10 सितंबर को, कांग्रेस कहीं आसपास भी नहीं थी, एक बयान भी नहीं था कांग्रेस का, कैसे होगा? ले काले कानूनों की ये जो रूपरेखा तैयार करी, ये कांग्रेस पार्टी ने तैयार करी। आपको सुषमा स्वराज जी का बयान याद नहीं है? हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जब बोल रहे थे वो 2 फीट का आलू उगाने की बात कर रहे थे, और कैसे सुषमा स्वराज जी जो है वो आड़ती का वो जो है पक्ष ले रही थी, और हुड्डा जी जो खिलाफ, ये दीपेंद्र हुड्डा खिलाफ बोल रहे थे। अरे ऐसे लोगों की आप बाइट सुनाते हो, ये करते हैं राजनीति तो हर चीज के ऊपर। अरे हम तो दिल से है, ये देखिए दिल से किसानों के साथ बोलने वाली बात ही नहीं, सारे है ही किसान। नहीं नहीं पंजेटा जी, हम लोग अभय चौटाला जी की भी बाइट सुनाते हैं, ऐसा नहीं, अब रिएक्शन उनका था तो वो हम लोगों ने सुनाया। दहिया जी जो वीरेंद्र जी ने बात कही, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रिएक्ट करें, ये तो बात इनका जवाब 20 सेकंड ठीक है पंजेटा जी, जल्दी से कंप्लीट करें। देखिए देखिए, ये जो अभी आपने बात कही ना कि बातचीत रुकी हुई है, बातचीत नहीं हो रही है, जो आपने तोमर जी का जिक्र किया कृषि मंत्री जी का, आप एक बात बताइए,
सरकार की तरफ से इनविटेशन लेटर डेट के साथ कि ये डेट है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, और हम आपको ये इनविटेशन लेटर इनवाइट कर रहे हैं। आज तक आया एक फोन कॉल अवे है, ये फोन कॉल आया कभी? ये सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं। आप इतने अच्छे हो, आप इतने बोल रहे हो हम तैयार हैं बात करने के लिए, आप मीडिया में आके ये बोलिए जी ये तारीख है, ये इनविटेशन लेटर है, ये वेन्यू है, इस जगह आइए, ये टाइम हम निर्धारित करते हैं, किसान आए हम बातचीत के लिए तैयार है। केवल बोल देने से किसान नहीं बात करे, अरे किसान बेचारा तो दुखी हो रहा है हर रोज का उसका राशन कहां से आ रहा है, हर रोज उसको शौचालय की दिक्कत। नहीं ठीक है पंजेटा जी, देखिए उसका रास्ता तो बनना जरूरी है, और ये सवाल तो है दहिया जी। सबसे बड़ी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूँ 10 सेकंड में, मैं अभी प्रेता चौहान जी कह रहे थे कि दिक्कत आई, परेशानी आई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो असुविधा जो परेशानियां किसान को दशकों से आ रही है, आप मतलब उसके बारे में सोचना और बात करना नहीं चाहते? क्यों बार बार ये दिखाते हो कि किसान जो है वो दुखी होता रहे? 650 से किसान, 700 के किसान शहीद हो गए, आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही? एक किसान की मौत का भी जिम्मेदारी आपकी बनती है? 650 किसान और ऊपर से आप कहते हो वीरेन चौहान जी इसका जवाब देंगे, वीरेन चौहान जी इसका जवाब देंगे, लेकिन दहिया जी लोगों को परेशान करके या लोगों की परेशानी आपको लगता है कि आपकी सफलता है तो फिर ऐसी सफलता आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि असफल है क्योंकि लोग भी परेशान हुए इसकी वजह से। दहिया जी, हमारे जो चौहान साहब हैं ये अपने जाल में खुद ही फंस गए। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दुकानें खुली हुई थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे से डरते हुए दुकानदारों ने बंद कर ली। अरे हम जो सरकार तो नहीं है ना, सरकार तो ये है, और सरकार से डरते नहीं और किसान से डरते हैं, तो चौहान साहब का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में खुद ही फंसा हुआ है। उनको ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये आज की डेट में आयुष जी हर वर्ग दुखी है इस बीजेपी से। बीजेपी सरकार ने इतने झूठे वादे कर दिए हैं कि वो 15 लाख से लेके आज तक जो है वो फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे चौहान साहब से विनती ये है कि इन झूठे वादों को छोड़ दे और आगे जो जनता विश्वास नहीं करेगी। हमारे जो मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो जैसे कह रहे हैं कि एक कॉल दूर है, वो आज तक वो कॉल नहीं आई। तो इतनी झूठी बातें हमारा अगर प्रधानमंत्री जी करेगा तो उससे हमारे देश का खतरा बढ़ जाएगा। मैं चौहान साहब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा बंद हुआ था वो लोगों के जोश से हुआ था। कोई भी आंदोलन होता है वो लोगों के जोश से होता है। पीछे आपके मनोहर लाल जी की कोई रैली हुई थी, उसमें सरकारी बसें गई थी स्कूलों की और पैकेट खाने गए थे, तब भी आपकी कुर्सियां खाली जाएगी थी। आपको तो हवा हो चुका है कि ये सरकार कुर्सी हमसे जाएगी कैसे। चौहान साहब, हम ना कांग्रेस की तरफदारी करते ना चौटाला की तरफदारी करते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस ने ये बिल पे साइन किए, कांग्रेस ने सभा में रिपोर्ट लागू नहीं की। अरे उनको छोड़ के आपको इसलिए बुलाया था कि आप हमारी रिपोर्ट लागू करो, आपने उसको और बंटा धार कर दिया। तो इसलिए चौहान साहब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो जिसे हम आप पे भी विश्वास ना करें। आप प्रोफेसर हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि अपनी सरकार को बताइए कि वो किसानों से बात करे, किसानों को बुलाए, वो जो भी प्रक्रिया हो वो चैनल के माध्यम से पूरे भारत को पता लगे। ये जो बंद हुआ है, भारत बंद जो हुआ है, ये पूरे भारत के अंदर बंद हुआ है, ये जाम नहीं हुआ है। चलिए जाम नहीं है, बंद है, इस बात को आप पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब वीरेन चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। अरे हमारे साथ बीजेपी के साथ भी है, नहीं किसान तो सब जगह है भैया जी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। किसान बीजेपी में भी हो सकता है, इनेलो में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, अन्य पार्टियों में भी हो सकता है, किसान तो कोई भी हो सकता है भैया जी। ठीक है चलिए भैया जी, अब वीरेन जी, अब वीरेन चौहान जी के जरिए बात थोड़ा पहुंच जाए ऊपर तक, वीरेन चौहान जी के जरिए बात जरा ऊपर तक पहुंचे, ठीक है दहिया जी जिनको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, आपने अपनी बात सरकारी दफ्तर मिले हुए हैं, सरकारी कोठियां मिली हुई हैं, ठीक है, वो आपके साथ है, ठीक है दहिया जी, ठीक है दहिया जी, ठीक है, यही आपको परेशानी हुई है, ठीक है। तो आयुष जी, ये चौहान साहब का हमें जवाब दिया है कि पूरा जो भारत बंद था ये सफल हुआ है, और इसमें तो हमारे साथ है, हर वर्ग ने हमारा साथ दिया है, ठीक है। नहीं ठीक है, आप ठीक है, अब आपके हिसाब से सफल है, उनके हिसाब से उसको असफल बता रहे हैं, ठीक है चलिए, ठीक है चलिए जवाब ले लेते हैं, ठीक है दहिया साहब। वीरेन जी, एक छोटी सी बात तो ये कि देश में स्वाधीनता के बाद ऐसे किसान जिन्होंने खेती की दुर्गति के कारण खुदकुशी की, आत्महत्या की, उनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। उसके लिए लंबे समय तक राज करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस जिम्मेदार रहा होगा। राजेश जी को उस कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर मिलाने में कोई परेशानी नहीं है। इस आंदोलन के दौरान
जो इनके बहकावे में आकर बॉर्डर पर जाकर बैठे दिल्ली के, उनमें जिन लोगों की, जिन किसानों की प्राण चले गए, केवल ये उनकी चर्चा करना चाहते हैं। लाखों किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को बदलकर किसान की खुशहाली का मार्ग इस सरकार ने नए कृषि कानूनों के रास्ते से बनाया, वो राजेश जी स्वीकार करना नहीं चाहते। ये किसानी के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं एक बात कहता हूं कि चलिए राजनीति इस आंदोलन में है या नहीं, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। थोड़ी देर के लिए राजनीति बंद करते हैं, किसान 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 की बात करते हैं। अगर राजेश जी किसान हैं तो मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं, खेती से बचपन से उनका साथ है, हर दिन खेत में जाकर घास लाते रहे हैं, अपने पशुओं का पालन करते हैं, बैंक अधिकारी होते हुए भी हर हफ्ते खेत में जाते थे, सेवानिवृत्ति के बाद धान गेहूं मक्की तेल सरसों सब उगाते हैं, बागवानी भी करते हैं। मैंने अपने पूज्य पिताजी से पूछा, पिताजी महाराज क्या ये नए कानून आपके खिलाफ हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं? मेरे पिताजी जो कि शुद्ध किसान हैं, उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि बेटा ये किसान किसानों का, ये जो कानून है ये किसानों के भले के हैं, खेती का अंदाज बदलने का समय है, नहीं बदलेंगे तो मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एक और किसान है जिनका नाम है बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने, ये व्यापार मंडल के प्रधान हैं, आड़ती हैं, खेती कभी इन्होंने की नहीं, कस्सी कुदाल कुल्हाड़ा दांती हल फाड़ा कभी उठाया नहीं, ये कानूनों को काला बता रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, जबकि कहीं किसी कानून में ये नहीं लिखा कि मंडी बंद हो जाएगी। कोई कानून नया ये नहीं कहता कि एमएसपी नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं रहेगा। तो विश्वसनीय कौन है, तथ्यों पर कौन है, मैं, मेरे पिता या बजरंग दास गर्ग जो आड़तियों के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि होकर कांग्रेस के प्रवक्ता है और जो कभी शायद खेत में उस तरह नहीं गए जिस तरह मेरे पिताजी कम से कम किसान के हित की बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे पिता बजरंग जी से बेहतर कह सकते हैं, वो अधिक विश्वसनीय हैं। दूसरी बात ये कि अगर राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक पटल पर ही बात करनी है तो मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़, किसान के घर में पैदा हुए, शिक्षक रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, किसानों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने वालों में रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी वो कुर्ता उतारे हुई जो वीडियो दिखा दिखा कर उनके खिलाफ भी बोलते हैं। मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने में अहम भूमिका अदा की है, इसलिए मैं बजरंग जी को, जो कि स्वयं किसान नहीं है, अपनी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा को आपके चैनल पर या किसी सार्वजनिक मंच पर मेरे पार्टी के किसान प्रदेश अध्यक्ष के आमने सामने बैठकर सवालों का सामना करने का खुला निमंत्रण देता हूं और निर्णय छोड़ देंगे लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, दर्शकों के ऊपर, जनता के ऊपर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आयुष भाई, बजरंग जी अपनी अध्यक्षा को ला नहीं पाएंगे, मैं पक्के तौर पर अपने किसान अध्यक्ष को ले आऊंगा। फिर आ भी गई अगर कुमारी शैलजा तो सवालों का सामना ठीक वैसे नहीं कर पाएंगी जैसे राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो इनकी, राहुल गांधी और इनकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री का और हमारे जी का सामना करने के बजाय संसद छोड़ करके चर्चा चले गए। आगे क्या चर्चा करें, आगे क्या, 10 महीने हो गए, कब तक होता रहेगा, कब तक हर 2 महीने बाद भारत बंद की कॉल हम देखेंगे, कब तक रोडों पर और सड़कों पर हम जाम देखेंगे, कब तक बॉर्डर पर लोग परेशान होते रहेंगे, हल क्या होगा? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, सरकार का रवैया क्या है, सरकार ने आज तक टकराव नहीं चाहा, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी गई, अलगाववादी नारे लगाए गए, रास्ते रोके गए, हमारे नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया गया, हमारे कार्यक्रमों में खलल डाला गया, उसके बावजूद सरकार ने टकराव के रास्ते से बच बच कर अब तक का समय निकाला है, ये सरकार की मंशा जताता है। और ये अदबद का हरियाणा क्या करें, अदबद का भिड़ते फिरे टोंदे फिरे, ये चाहते हैं ऐसा कोई अवसर आ जाए जहां गोलियां चल जाए, कोई कंडेला कांड हो जाए जो इनेलो के काल में हुआ था, कोई मिसिंग कांड हो जाए जो कांग्रेस के काल में हुआ था, ये इस चक्कर में है कि किसानों को भड़काओ, सरकार से पुलिस से टकरवाओ, गोली चलवाओ, फिर अपना पतीला किसानों की लाशों पर चढ़ाओ और राजनीति का
जो भोजन पकाकर उस पर खाओ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, भोले भाले किसानों के किसानों को चाबी भरकर ये बॉर्डर पर छोड़ देते हैं, उनमें से कुछ की आकस्मिक मृत्यु वहां पर हो जाती है, फिर उनको शहीद कहते हुए उनकी लाशों पर राजनीति करते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया सियासत क्या हो सकती है? कांग्रेस हिसाब दे कि उसके कार्यकाल में लाखों किसान मरे हैं, उनका ठीक है। चलिए गर्ग साहब जवाब दीजिए इस बात का। गर्ग साहब, हम विवाद नहीं चाहते आयुष भाई, हम विवाद नहीं चाहते, हम आज भी संवाद के दरवाजे खुले रखकर बैठे हुए हैं। आइए बातचीत है, समाधान किया जा सकता है। गर्ग साहब आपको किसानी के बारे में क्या पता है? आप तो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपको किसानी के बारे में क्या पता है? और इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, तो फिर आप सवाल जवाब करना। दूसरी बात सुन लो, 10 महीने हो गए, 10 महीने ऊपर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, गांवों में बैठे हैं, और 700 किसान से ज्यादा शहीद हो गए। इन्होंने आज तक किसानों की साथ दे दीजिए, बस देश के जो पहले मारे गए किसान उनका हिसाब भी दे दीजिए। वो लोग मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया कि हमारे किसान की मृत्यु। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे अब एक सवाल वो आपसे पूछेंगे गर्ग साहब एक सवाल आप उनसे पूछते रहेंगे, आप कहेंगे यहाँ आंदोलन पर बैठे किसानों की जो जान चली गई उनके लिए ये नहीं बोल रहे हैं, वो ये कहेंगे कि आपने जो लाखों किसान चले गए आत्महत्या कर ली उनके बारे में शोक संवेदना प्रकट कर। यही बताना चाहता हूँ आयु जी, ये झूठी बात और भाईचारा खराब करने की नहीं है। खुदकुशी नहीं की बच्चों की, ये झूठी बात है क्या? लड़ाई कराना हरियाणा में जाट लोन की लड़ाई कराना, कौन से लाख किसान कैंप के अंदर मरे, एक का नाम बता दे। ये झूठे आंकड़े, ये झूठे आंकड़े दिखा दिखा के एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की कांग्रेस के राज में, इतने झूठे हैं। गर्ग साहब, आर्थिक लड़ाई कराने की कोशिश की, ये कहा आंकड़ा तो उसमें ये भी है। गर्ग साहब, शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की, और वो भी उनके ही उनके अपने खुद के इलाके में, ठीक है। लेकिन मैं गर्ग साहब ठीक है भारतीय जनता पार्टी का तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी तो यही कह रही है ना कि सिर्फ दिखावे के लिए खड़े हो जाने से किसानों का भला नहीं होने वाला। सुन लो, मैं उन कहने की बात अलग है, दिखाने के लिए अलग है। पार्टी की बात ही नहीं करता, जिस पार्टी का एक सांसद ना हो, जिस पार्टी कोई राज्यसभा मेंबर ना हो, जिस पार्टी का कोई विधायक ना, उनकी पार्टी की बात करते हो, बात करते नेशनल पार्टी की। कौन सा नेशनल पार्टी होगी भाई साहब, आप बताइए आयु जी, कौन सा लोकसभा में इनका मेंबर है, कौन सा राज्यसभा मेंबर, ये तो लोकल पार्टी कह सकते हो। एक ने अपनी खुद की फर्म होती ने, और फर्म आप कह सकते हो, उंगली कटा के शहीद हो गया एक आदमी, विधायक था जी, हमने इस्तीफा दे दिया, एक तरह भांड फोड़ेगा क्या, एक आदमी क्या करेगा, एक के पल्ले क्या है कि ना तो आप सरकार के खिलाफ बोल सकते। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में अहम भूमिका अगर किसी की रही, इनेलो पार्टी की रही, आप पूरा इतिहास देख लो, साथ में काम किया है। तो गर्ग साहब, इस बात को कैसे ड्राफ्टिंग तो आपने की थी ना, कानून तो आप भी लाने वाले थे ना, अब वो बीजेपी ले आई तो वो काला हो गया, और आप लाते तो वो गोरा होता, ऐसा कैसे होगा भाई? आयोजित सरकार चलाने में कौन है आज, वो टुटारा साहब पोता ही तो सरकार चला रहा है, वही सपोर्ट कर रहा है, खानदानी हो गया ना जी, टुटाला एंड संस तो हो गया, रंजन जी टुटाला वो सरकार में मंत्री, वो कौन है टुटाला साहब तो है वो भी, और उसका पोता कौन है, वो दुष्यंत टुटाला, वो सरकार में सहयोग कर रहा है। अगर ये सहयोग ना करे, किसान की इतनी लंबी लंबी बात करते हम, किसान तेजी है, किसान के सबसे बड़े दुश्मन कोई है, राजनीतिक रोटी कोई सेक रहा है किसान की तोवे के ऊपर, ये लोग सेक रहे हैं, कांग्रेस नहीं सेक रही, ठीक है। आप बार बार कहते भी ये स्थिति है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये देवीलाल एंड संस किसान के तेजी है, तो संजीव टुटाला क्यों सरकार के अंदर बैठा है, दुष्यंत टुटाला क्यों सरकार में लड्डू खा रहे हैं, क्यों मलाई खा रहे हैं,
जितने घुटाले हुए हैं सारा घुटाला। अब किसी की विचारधारा कहीं बदल जाए या कोई किसी विचारधारा के साथ चला जाए तो भाई उसमें आप पूरा ठीक है चलिए। सारे मैं घुटाला घुटाला राजनीति में तो कुछ भी न्यूट्रल नहीं भाई, राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति क्रिकेट मैच को लेकर के तो कोई प्रोजेक्शन नहीं कर सकता। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए गर्ग साहब, गर्ग साहब हो गया, पंजेठा जी जवाब दें। देखिए मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस का जहां तक है, कांग्रेस ने तो इनको वाला ही बुलाया, इन्होंने एक ठीक है। गर्ग साहब आप सुन लें, गर्ग साहब, गर्ग साहब आपने अपनी बारी में बोल लिया, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है अब आपने सुन लिया। गर्ग साहब देखिए, आप गर्ग साहब, गर्ग साहब आपने अपनी बात रख ली, लेकिन सुनिए भाई दूसरों को भी सुनिए ना, जिनके लिए सवाल खड़े किए आपने, जिनके लिए सवाल खड़े किए भाई वो बात भी तो जानी चाहिए ना भाई, पब्लिक को ये समझना तो पड़ेगा ना कि गर्ग साहब जो बात कर रहे थे उसका जवाब है क्या, उसका जवाब है क्या इंडियन नेशनल लोकदल के पास, वो सुनना पड़ेगा ना। गर्ग साहब सुन लें, लेकिन सुनिए सुनिए भाई सुनिए सुन लीजिए सुनिए सुनिए 2010 में मिर्चपुर में इन्होंने एक दलित परिवार, एक व्यक्ति को और उसकी उनकी बेटी को जो है जिंदा जलाने का काम किया था, जो कि दिव्यांग थी। 150 परिवार वहां से उजाड़ दिए इन्होंने, उसको जो गांव से उनको भागना पड़ा था इस डर के मारे। उसके बाद कांग्रेस सतनाली मिसिंग कादमा हुड्डा जी ने मारुति में जो एक मैनेजर जिसकी हत्या हुई थी, उसका जो यूनियन लीडर था जिसने हत्या की थी, उसको तो हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब देने का काम किया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। मैयर के अंदर इन्होंने जनता आंदोलन के टाइम एक छोटा सा का उसको मौत के घाट उतार दिया था। वहीं जस्ट रोहतक में फायरिंग में इन्होंने मारी और अन्य अन्य टाइम पे। और जहां तक भाजपा का बात है, नैतिकता के तौर पे मुझे लगता है कि हाँ, इस सरकार नहीं जा सकता कि वाजपेयी जी के साथ जो था वो टाइम था से पहले करने के बाद जो भी हुआ, और मंडेला तो एक भी व्यक्ति की बहुत है वहां पे कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 75% नहीं, खुद तो वो बिजली का बिल भर रहे थे, मगर उन्होंने वहां इतना उकसा दिया किसानों को कि नहीं 75% नहीं मांगने, पूरे 25 बचे हुए 25 भी माफ कराओ, तो मैं आके 25% बाकी के माफ करूंगा। मैं तो किसानों का नेता बन गया 25% माफ करके। और इंडियन नेशनल लोक जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने 75% बिजली के बिल माफ किए, वो किसानों के दुश्मन बना दिए। ये देखिए ये होती है राजनीति। और उन्होंने किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, उससे पहले ही 75% बिल माफ कर दिए गए थे। देखिए इनका और दूसरा, अगर आज ये भाजपा के प्रतिनिधियां बैठ के इनको कंडेला इतना बुरा लग रहा है, जबकि ये भागीदार थे उस टाइम पे। हम उस वक्त कोई एमएसपी का मुद्दा नहीं था जो ये बार बार कांग्रेस के लोग ये जो इन्होंने जब भी आई मदद से आई, वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी आई थी। और दूसरा, अगर ये आज उठाते हैं तो कंडेला एग्रीमेंट के ऊपर श्री अजय सिंह चौटाला जी ने साइन किए थे। अगर इनको जानकारी नहीं है तो पीआर डिपार्टमेंट को बोले चीफ मिनिस्टर के, वो इनको सारे रिकॉर्ड निकाल के देंगे। और चलिए पंजेटा जी, हमारे पास समय नहीं, चर्चा में यही समाप्त कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल आज भी बड़ा महत्वपूर्ण यही है कि एक तरफ तो आंदोलन है, दूसरी तरफ भारत बंद है, लेकिन सवाल सबके जहन में यह है कि इस आंदोलन का समाधान आखिर कैसे निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।